नमस्कार। लंबे समय तक फिट रहने के लिए हड्डियों का मजबूत रहना जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होती हैं, लेकिन आज यह समस्या कम उम्र में ही आ रही है और हड्डियों के कमजोर होने पर शरीर में दर्द व जकड़न का अनुभव होता है। इसका मुख्य कारण है कैल्शियम व विटामिन डी की कमी होना, लेकिन इसके साथ अन्य कारण भी है, जैसे हमारा गलत आहार और हमारी कुछ गलत आदतें, जैसे कि अल्कोहल और ये धूम्रपान, सॉफ्ट ड्रिंक का अधिक प्रयोग, कॉफ़ी का अधिक सेवन और नमक का अधिक प्रयोग। ऐसी गलत आदतें हमारी हड्डियों को कमज़ोर बनाती हैं। और इसके अलावा है व्यायाम का अभाव। तो लेकिन यह समस्या महिलाओं में अधिक पाई जाती है पुरुषों के बजाय। पुरुषों को तो 60 साल की उम्र के बाद यह समस्या आती है, महिलाओं को बहुत पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि महिलाओं में मेनोपॉज के समय एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है। मेनोपॉज से बल्कि 5 साल पहले ही एस्ट्रोजन का हार्मोन कम मात्रा में होने लगता है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम पहुँचती है। और जैसे ही एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है, कैल्शियम हड्डियों को नहीं मिल पाता, जिससे उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। और इसमें हम अपने आहार में बदलाव लाकर और व्यायाम को अपनाकर हम फिट रह सकते हैं। आहार में बदलाव लाने के लिए हमें दूध दही का अधिक प्रयोग करना है, जिसमें कैल्शियम व विटामिन डी पाया जाता है। इसके बाद खट्टे फल, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी जो है, ये हड्डियों में कोशिकाओं को बनाने वाले इसमें तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमारी हड्डियों में कोशिकाएं बनती हैं। और इसके बाद हरे साग में कैल्शियम, मैग्नीज और विटामिन के पाया जाता है, जो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अंडे में भी प्रोटीन और विटामिन डी पाया जाता है। तो इनका प्रयोग अगर हम अपने आहार में करें और उन गलत आदतों को छोड़ दें, तो हम अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। लेकिन केवल हम आहार में बदलाव लाकर हड्डियों को मजबूत नहीं बना सकते हैं। आहार में बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हम आहार में बदलाव कर लेंगे, तो हमें कुछ यौगिक अभ्यासों को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आहार से हमारा जो रक्त है वो पोषक तत्वों से भरपूर बनेगा, और एक्सरसाइज से वही रक्त पूरे शरीर में, जब रक्त का संचार बढ़ेगा तो हड्डियों को पोषण मिलेगा, जिससे हड्डियाँ मजबूत बनेंगी। इसमें हम आपको सूर्य नमस्कार बहुत अधिक सहायक है। सूर्य नमस्कार, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए जो अनुकूल हो उन सभी अभ्यासों को करें, वरना ये थोड़ा सा अभ्यास भी आपको फिट रखेगा। तो मैं आपको सूर्य नमस्कार और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इसके साथ करके बता रही हूँ, जो आपको फिट रखने में पूरी तरह से सहायक होगा। सूर्य नमस्कार के लिए आप सूर्योदय के समय या तो सूर्य के सामने खड़े हो, जिससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा और सूर्य के साथ करने से एनर्जी बहुत अधिक मिलेगी। सूर्य नमस्कार के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं, पांव मिला लें, सांस भरते हुए शरीर को पीछे बेंड करें, ब्रीद आउट, सांस भरे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये मैंने एक राउंड करके बताया आपको। ऐसे आपको कम से कम शुरुआत में 6 से करें, लेकिन धीरे धीरे आप 15 से 20 बार करें। इससे पूरे शरीर का खिंचाव मिलने से रक्त का संचार बढ़ता है और शरीर फिट हो जाता है। मैं आपको एक बार और, लेकिन अब मैं सांस का नहीं बोलूंगी, मैं सांस लूंगी छोड़ूंगी केवल।
खड़े होकर किए जाने वाले थोड़े से आसन जिसमें हमारे शरीर पूरी तरह से स्ट्रेच होता है, इससे भी रक्त का संचार बढ़ता है। वरना आप वार्म अप वाली भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि ये कर सकते हैं। केवल इन थोड़े से अभ्यासों को अपना करके भी आप अपने शरीर में रक्त का संचार बढ़ाएंगे, जिससे आपका शरीर और हड्डियाँ फिट रहेंगी। तो मैंने आज आपको बहुत थोड़े से अभ्यास बताए हैं, लेकिन इन अभ्यासों को भी अगर आप किसी योगा टीचर से सीख लें तो बेटर है, क्योंकि कुछ लोगों को कमर दर्द की शिकायत है, कुछ लोगों को सर्वाइकल की शिकायत रहती है, तो उसमें कुछ अभ्यास मना होते हैं या उनका मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो वो आपको बता सकता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में कुछ लिखेंगे तो मैं भी आपको जवाब दे दूँगी। तो मेरा आज का जो वीडियो है ये हड्डियों की फिटनेस यानी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या पर है। 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है, क्योंकि ये हमें अपने हेल्थ के प्रति जागरूक बनाने के लिए है। तो कल ही ऑस्टियोपोरोसिस डे था, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट, अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम महिलाओं को फिट रहने के लिए निश्चित रूप से यौगिक अभ्यासों को करना चाहिए। यौगिक अभ्यास हमारे फिटनेस में बहुत अधिक सहायक है, साथ ही अपने आहार में भी बदलाव लाएंगे, क्योंकि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है जैसे कि दूध, दही, हरे साग, जिनके अंदर मैंने बोला कि कैल्शियम, मैग्नीज और विटामिन के पाया जाता है, और इसके साथ विटामिन सी वाले फल, तो ऐसे आहार को हम अपने अपना करके हम फिट रह सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।